बिहार के अधिकतर जिलों में अब लोगों को ठंड महसूस होने लगी है। आज प्रदेश के सभी जिलों में पूरे दिन मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अभी दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। पूरे दिन कड़ी धूप खिली रहेगी तो वहीं रातें काफी ठंड हो जाएगी। पूरे प्रदेश में 30 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगी, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि नवंबर से तापमान में इससे ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट के अनुसार राज्य के 7 ऐसे शहर हैं जहां के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक राजेश कुमार ने बताया कि पिछले 6 घंटे के दौरान 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर यह बढ़ गया है। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क ही रहेगा। राज्य के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय कोहरे की संभावना है, यानी कुल मिलाकर समझे तो बिहार पर इस हामून का असर न के बराबर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र चक्रवात में तब्दील हो गया है। इस चक्रवाती तूफान को हामून नाम दिया गया है। हामून तूफान 25 अक्टूबर की दोपहर बांग्लादेश के चटगांव और खेपुपड़ा के बीच तट से टकराया। गोपालगंज में सुबह से ही धूप खिली हुई है, बगहा में भी धूप खिली हुई है। पटना की अगर बात करें तो पटना में भी आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। इस चक्रवाती तूफान को हामून नाम ईरान ने दिया है। यह एक फारसी शब्द है। इस शब्द का मतलब बड़ा मैदान, वन, जंगल या रेगिस्तान से होता है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात हामून उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने वाला है। मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट के अनुसार 7 ऐसे शहर हैं जहां के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। किशनगंज का न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री, गया का 19.2 डिग्री, भागलपुर का 21.5, वाल्मीकि नगर का 17.9, कटिहार का 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं इसके अलावा पटना, वैशाली, छपरा, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, मोतिहारी, गोपालगंज, बांका समेत अन्य जिलों के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना में आज पूरे दिन धूप खिली रहेगी। सुबह और शाम के समय लोगों को हल्की सिहरन महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार पटना में इन दिनों पछुआ हवा का प्रभाव है, इसके कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।